समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 19 करोड़ चालक मालक व भाई बहनों की तरफ से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन हमारा ड्राइवर समाज आज भी गुलाम है। गुलाम है इन ऐप बेस भ्रष्टाचारी कंपनियों का, गुलाम है इन आरटीओ का, गुलाम है इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का, गुलाम है हमारी इन सरकारों का। साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हर समाज पूरा देश आजाद हो चुका है, 75 साल हो चुके हैं, तो हमारे ड्राइवर समाज की क्या गलती है, क्या दोष है? हमारे ड्राइवर समाज को क्यों आज़ादी नहीं मिल रही? नुक्कड़ पे, चौराहे पे, लाल बत्तियों पे, हर जगह पुलिस कर्मी, ट्रैफिक पुलिस कर्मी, भ्रष्टाचार, आरटीओ खड़े रहते हैं डंडा लेके। हमारे से पैसा वसूली की जाती है, किस लिए? क्या हम जब गाड़ियां लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो क्या हम टैक्स नहीं देते? रोड पे चलते हैं, क्या हम टैक्स नहीं देते? हम जब एंटर करते हैं टोल देते हैं, एमसीडी देते हैं, उसके बाद ये गुंडा टैक्स क्यों? ये डंडे लेके खड़े होते हैं आरटीओ रातों को, किस लिए? मैं पूछना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि इस बार झंडा प्रधानमंत्री जी लहरा रहे हैं लाल किले पे। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश को, हमारे देश में रहने के बाद हमें, हमारे समाज को, हमारे ड्राइवर समाज को कब आज़ादी मिलेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी आपसे। कोरोना में आपने सबका नाम लिया, सबका सम्मान किया, फूल वर्षा की, डॉक्टर नर्स का सम्मान किया आपने, पुलिस कर्मियों का सम्मान किया आपने, सफाई कर्मियों का सम्मान किया आपने, लेकिन आप हमें भूल गए मोदी जी। हर भाषण सुनते थे आप, कार वीडियो देखते थे रेडियो पे, आपकी आवाज सुनते थे, मन की बात सुनते थे आपकी, हमें उम्मीद होती थी कि आप हमारा नाम लोगे, लेकिन आपने कहीं भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले आंतरिक सिपाही ड्राइवरों का कहीं नाम नहीं लिया। हम कितने निराश थे जब आपने हमारा सम्मान, हमारा नाम नहीं लिया। मोदी जी सोचो हमारे बारे में भी, हम देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। जिस तरह बॉर्डर पे खड़ा होके वो सिपाही देश की रक्षा कर रहा है, उसी तरह हम देश के अंदर रह के देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। इंसान के जीने से लेके इंसान के मरने तक ड्राइवर की एक अहम भूमिका होती है। जब मैं बच्चे का जन्म होता है तो जो माँ हॉस्पिटल जाती है वो एक एम्बुलेंस से जाती है, उस एम्बुलेंस को ड्राइवर चलाता है। बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा स्कूल जाता है, जो जिस स्कूल कैंप में जाता है वो हमारा ड्राइवर चलाता है। उसके बाद इंसान जवान होता है, नौकरी पेशे पे जाता है, जिस बस, मेट्रो, जिस रेल, जिस गाड़ी में जाता है वो हमारा ड्राइवर चलाता है। जब इंसान शादी करता है, दुल्हन की गाड़ी हमारा ड्राइवर चलाता है। जब इंसान बूढ़ा होता है, पेंशन लेने हमारी बसों में जाता है, वो हमारा ड्राइवर चलाता है। और जब बंदा मर जाता है तो जो शव यात्रा, जो शव वाहन होता है, वो भी हमारा एक ड्राइवर चलाता है। तो इंसान के जीने से लेके इंसान के मरने तक एक ड्राइवर की अहम भूमिका है। तो उस ड्राइवर को सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? क्यों उसको नफरत की नजरों से देखा जाता है? और आजकल तो कुछ लोगों ने ड्राइवर कहना भी बंद कर दिया, ड्राइवर कहते हैं। ड्राइवर ये कौन सा शब्द है? मैं ये पूछता हूं मोदी जी, क्या हम आपके देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या हम वोट नहीं देते क्या? तो क्यों हमें इतनी घृणा भरी नजरों से देखा जाता है? मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारे मोदी जी तक पहुंचे और उनको पता चले कि हमारा ड्राइवर समाज किस तरह बर्बादी की कागार पर है। हमारी गाड़ियों की किस्तें नहीं जा रही मोदी जी। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, सरकारी में आ गए, सरकारी से भी नोटिस पहुंच गए, किताब कॉपियां खरीदने के पैसे नहीं हमारे पास। शाम को जब हम घर जाते तो बच्चे पूछते, पापा क्या लेके आए? हमारे पास कुछ होता नहीं, खाली आते, जो कमाते हैं वो पैसा सीएनजी, टैक्स, किस्त, इन सब में चला जाता है। हम क्या करें मोदी जी, क्या करें? ना जाने कितने ड्राइवरों ने तो फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, गोली खा ली, पहाड़ों पर से अपनी गाड़ी गिरा दी, क्योंकि वो टेंशन में थे। मोदी जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे ड्राइवर समाज के बारे में भी आप सोचें, क्योंकि आप देश के राजा हैं। अगर प्रजा आपको नहीं बताएगी अपना दुख दर्द, तो किसको बताएगी? धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय चालक। एक बार फिर से आप सभी को
75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।